हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मेरे पास है टेक्नो पॉप 8 स्मार्टफोन। 6000 रुपए में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है मार्केट में, एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। क्यों, वीडियो के एंड में जरूर पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एंड बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन से इसको मैं पूरा कंप्लीटली यूज किया हूं एज माय प्राइमरी डिवाइस। सो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंटेक, एंड ऐसे ट्रस्टेड टेक फील्ड एंड द डिटेल्ड रिव्यूज के लिए एलिमेंटेक को फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो। 6000 में अगर आप एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि अच्छा कैमरा हो, डे टू डे यूजेज में तकलीफ ना मिले, कॉलिंग जैसे सारे फंक्शंस अच्छे से हो, 4G स्मार्टफोन्स आपको मिल जाते हैं, एंड उसी के साथ में दिन भर की बैटरी बैकअप मिले। टेक्नो ने पता नहीं कैसे बट इस फोन में जो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको 90Hz का डिस्प्ले मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट पे कभी नहीं हुआ है, उसी के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एंड ऑल दो स्पीकर्स की वॉल्यूम उतनी ज्यादा लाउड नहीं है, एंड डेफिनेटली ट्रैफिक कंडीशंस में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा सुनने में, बट स्टिल एक डुअल स्टीरियो एक्सपीरियंस आपको मूवीज में या फिर गेम खेलते टाइम ज्यादा हेल्प करेगा। उसी के साथ में आपको 2.5 लाख का एंटीटू स्कोर मिलता है, एंड यहाँ पर आपको यूनिसॉक T606 प्रोसेसर मिलता है, 5000mAh की बैटरी है जो दिन भर तो चली जाएगी आराम से, एंड उसी के साथ में इन बॉक्स 10W का चार्जर मिल जाएगा। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो काफी सिंपल ही था, एंड बॉक्स के ऊपर आपको काफी सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए देखने मिल जाते हैं सारी जगह पर, तो मार्केटिंग थोड़ी अच्छी की गई है। एंड इवन इसका जो बैक डिजाइन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका बैक डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आई मीन इस प्राइस पॉइंट पर वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, एंड उसी के साथ में अगर कुछ इस तरह से एक प्रीमियम डिजाइन मिले तो वो मुझे मेरे लिए बहुत एक अच्छा चॉइस रहेगा। इसका कैमरा डिजाइन जो है वो मुझे किसी चीज की तो याद दिलाता है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका कैमरा किस जैसा है या फिर किस स्मार्टफोन जैसा है। मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं इस फोन के साथ, सबसे पहली बात, फोन इन हैंड जो है काफी लाइटवेट फील होता है, एंड अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फोन अच्छे से बैलेंस भी हो रहा है, तो एज सच आपको टाइपिंग करते वक्त उतना दिक्कत नहीं होगी। अब टाइपिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो डिसेंट सा ही है, इवन टाइपिंग करते वक्त कोई लैग नहीं नोटिस होता, एंड ओवरऑल जो मेरा यूजेज एक्सपीरियंस था स्मूथ ही रहा। इस फोन के बारे में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बजट सेगमेंट में होने के बावजूद भी कोई भी ऐप लॉन्च या एग्जिट करते टाइम काफी रिस्पॉन्सिव रहता है। हाँ, एप्लीकेशंस लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस एट दिस पॉइंट, बट आपको यूआई नेविगेट करते टाइम कोई लैग तो नहीं मिलेगा। मैंने इसमें काफी सारे सॉन्ग सुने एंड इवन मूवीज टीवी शोज भी देखे। सॉन्ग्स एंड टीवी सीरीज का एक्सपीरियंस बताओ तो दो स्पीकर्स होने की वजह से इंडोर कंडीशंस में लाउड आवाज तो आती है, बट वहीं पर अगर सिंगल स्पीकर होता ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आई मीन जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उस हिसाब से इट इज वेरी गुड। क्विकली बात करते हैं कैमरास की, तो कैमरास डेफिनेटली रियर साइड का जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा आपको। 12 मेगापिक्सल के हिसाब से आपके जो फोटोज है वो डिटेल्ड होते हैं, एंड एज सच आपको इंडोर लाइटिंग कंडीशन में थोड़े से नॉइज भी देखने मिलेगा, बट स्टिल जो डे लाइट वाले फोटोज है उनमें कलर्स की मुझे कमी लगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेसिंग में कम पड़ रहा है फोन। तो अगर टेक्नो की टीम से कोई भी सुन रहा है, प्लीज इंप्रूव ऑन द सैचुरेशन ऑफ द फोटोज, बिकॉज कहीं ना कहीं कलर्स अगर थोड़े से अच्छे कर दिए तो फोटोज ओवरऑल जो है वो काफी अच्छे दिखने लगे। सेल्फीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फीज आर मच बेटर, कलर्स थोड़े से पॉप होकर आते हैं, स्किन टोन अच्छे से मैनेज रहता है। उसी के साथ में अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करेंगे तो बैकग्राउंड भी अच्छे से ब्लर रहता है, और एज डिटेक्शन जो है वो भी अच्छे से वर्क करता है। रियर कैमरा से HDR फोटोज लेने के बाद थोड़ा सा वियर चीज हो रहा है फोटोज के अंदर, जो सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा फिक्स हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस कैमरा का। मैंने इसमें वीडियोज भी रिकॉर्ड किए, वीडियोज तो आपको 30fps पर ही मिलेंगे। टेक्नो पॉप 8, एंड यहाँ पर फैन भी ऊपर चालू है, एंड आपको नॉइस का अंदाजा आ जाएगा कि कैसा ऑडियो रिकॉर्ड होने वाला है इस वीडियो में। बट उसी के साथ में एक पॉजिटिव फीडबैक ये है कि वीडियोस में जो साउंड रिकॉर्ड होता है वो काफी क्लियर रहता है। आई मीन मैंने 12 से 15 हज़ार के भी कुछ फोन ट्राई किया जिसमें इतना क्लियर ऑडियो नहीं रहता। गेमिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एकदम हार्डकोर गेमिंग आप नहीं कर पाओगे, जो कैजुअल गेम्स है अच्छे से हैंडल कर लेता है, एंड लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। वैसे तो 4+4GB मतलब ऑलमोस्ट 8GB का रैम मिलता है, देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो 4GB है जो इंटरनल मेमोरी को कन्वर्ट करके रैम बनता है वो उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो आप 4GB रैम ही पकड़ के चलना। एंड फोन 3 कलर्स में अवेलेबल, एंड उसमें से मेरा फेवरेट जो है वो तो यही है ब्लैक वाला। बाकी आपको CPU थ्रॉटल एंड बाकी सारे टेस्ट जो मैंने किए हैं इस फोन के साथ उसके स्क्रीनशॉट्स आपको सामने देखने मिल जाएंगे। वैसे तो आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है तो चार्जिंग टाइम्स काफी लंबे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई मीन अब तक मैंने इसको एकदम डिटेल चार्जिंग तो नहीं करके देखा है, बट आराम से 5000mAh की बैटरी फुल चार्ज करने के लिए आपको 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। ऑनेस्टली बताऊं 6000 में इससे बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने अब तक नहीं देखा है। बजट रेंज में अगर आप फोन देख रहे हो या फिर आपके पहचान में कोई देख रहा है तो उसको ये वीडियो रिकमेंड जरूर करना, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन खुला है आप पूछ सकते। एंड अगर इनफ क्वेश्चंस होंगे तो मैं इसका एक डिटेल्ड हेवी रिव्यू भी बनाऊंगा जिसमें A to Z सारी चीजें एंड मेरा और इनडेप्थ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फॉर एनी रीजन आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, एंड ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो। इसमें दे साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंटेक, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।